रामनामी उत्सव कमेटी वालों 10 अप्रैल में निकलने वाली शोभा यात्रा के संबंध अज्ज नौवीं बैठक गीता मंदिर दर्शन नगर की जा रही है। तुम तस्वीर देख रहे हो, तुम्हें दिखा रहे हैं अलग अलग मेडिकल कैंप रामनामी के मैंबर वालों मैंबरशिप का आयोजन किया जाता है। आप गलबात करते हैं मंदिर कमेटी के साथ गोल्डी जी है। गोल्डी जी, हर साल की तरह इस साल भी तुम बैठक का आयोजन किया? मैं गोल्डी मरवाहा, प्रधान गीता मंदिर आदर्श नगर। सब तो पहला तो पंजाब केसरी समूह का रामनवमी उत्सव कमेटी का सार तहे दिलों धन्यवाद करता वा कि जिहड़ा अज जो हिंदू धर्म की सभ्यता संभाल के बैठे हुए ने। पंजाब कई दौरों चो गुजरिया, पंजाब चंगे माड़े कई दौरों तो गुजरिया, लेकिन पंजाब केसरी हिंदुओं के नाल पिठ ना पिठ ला के खड़ी रही, उन्होंने आशीर्वाद देती रही। अज ये जिहड़ा आयोजन मेरी इस मंदिर दे विच हो रहा, इस प्रांगण च हो रहा है, ये करन दा हौसला भी जिहड़ा वै इह सानू श्री विजय चोपड़ा जी कोलों मिलदा है, क्योंकि इस तो पहला मेरे फादर साहब उन्हां नाल जुड़े रहे स्वर्गीय श्री विजय मरवाहा जी। असी बाऊ जी कहीदा जी श्री विजय चोपड़ा जी नूं प्यार नाल, और उदां ही ओह सानू बच्चों की तरह प्यार करते ने, असी उन्हां दे बच्चे हाँ। और अज जिन्ना भी आयोजन तुसीं देख रहे हो, ये राम भगतां दा जिन्ना समूह है, इन्हां दे विच ताकत भरन दी जिहड़ी ताकत भरन दा काम कीता है, वो पंजाब केसरी और रामनवमी उत्सव कमेटी ने कीता। मैं एक बारी फिर अपने वालों तो अपनी पूरी मंदिर कमेटी वालों श्री विजय चोपड़ा जी का रामनवमी उत्सव कमेटी का तहे दिलों आभार व्यक्त करता कि उन्होंने सानू मौका दिता, और हर साल की तरह इस साल भी ये आयोजन कराने असी सफल रहे। इन्हों शब्दों के नाल ही बहुत बहुत धन्यवाद और मेरिया बहुत बहुत शुभकामनावां रामनवमी उत्सव कमेटी को। देखिए असं गलबात की गई है, हम तुम्हें दिखा जा रहे हैं राम भगत जो रामनवमी उत्सव कमेटी के सेवादार रहे, उन्होंने वालों मैंबरशिप कार्ड तो मैंबरशिप जेडे राम भगत इस मीटिंग आते हैं, आप मैंबरशिप जो बनती है आप एम डी सबरवाल जी है, आप उन्होंने गलबात करते हैं। एम डी जी, हूँ तक किन्ने राम भगत कि मैंबर बन चुके? जय श्री राम। साड़ी जिन्हिया भी बैठक हूँ तक हो चुकी ने, जे साडे मैंबरस ने सारे मिल के जो दूसरों मैंबर बना रहे हैं, लगभग 1100 के करीब हूँ तक साड़ी जड़िया ने मैंबरशिप हो चुकी है, और हली बाकी मीटिंगा ने कुछ मैंबर जोड़े कापियां लै चुके नवी, उन्होंने जी लोगों संपर्क शुरू हैगा। रामनवमी उत्सव कमेटी जिथे शोभा यात्रा कड़ती है, उत्थे तकरीबन रोज़ हर इलाके एक प्रभात फेरी निकाली जा रही है। अज की प्रभात फेरी पक्का बाग सैदा गेट मंदिर तो होंदे हुए चार बाग और कोट पक्षियों तो होंदी हुई, बहुत सारे ऐसे वो इलाके जिथे के कई बार कई देर पहला उधरों शोभा यात्रा निकलती रही है, अज उस इलाके ने भी कवर किया गया और उतों बहुत ही अच्छा एक सहयोग मिलया। सो मैं समझना वा कि शोभा यात्रा जी मेन निकलनी है, ये हर रोज़ एक मिनी शोभा यात्रा सवेरे निकल रही है। सो मेरी सारे राम भगतों को प्रार्थना है कि 10 अप्रैल न हुम हवा के हिंद समाचार ग्राउंड के पहुँचो, और उतों जी नगर के शोभा यात्रा निकलनी है वो शामिल होवो। जय श्री राम। देखिए गलबात की गई है, हूँ तुम असं फिर लैके जाने कितने मैंबरशिप बनाई जाती है, जो राम भगत इस मीटिंग के पहुँचते हैं उन्होंने मैंबरशिप कटी जाती है, उस तो बाद सिविल होस्पिटल के आइस के डाक्टर जो इतने हर मीटिंग इतने आइस चैक की जाती है, लोग जो मीटिंगा आते हैं उन्होंने आइस चैक की जाती है तस्वीर, उस तो बाद आशीर्वाद लैब वालों ब्लड चैक किए जाते हैं, उन्होंने अलग अलग टैसट किए जाते हैं, कपिल होस्पिटल के डाक्टर वालों जो राम भगत इस मीटिंग पहुँचते हैं उन्होंने अलग अलग जो हैल्थ के बारे उन्होंने दसिया जाता, और उन्होंने मैडिकल चैक किए जाते हैं, उस तो बाद लक्की जो राम भगत इतने पहुँचते हैं उन्होंने लक्की कूपन जो कटे जाते हैं बंपर ड्रा उन्होंने, जो माता वैष्णो देवी का हैलीकॉप्टर ड्रा भी जो इतने कूपन लैके पहुँचते हैं, तो उस तो बाद जो राम भगत इस पहुँचते हैं साढ़े ना वरिंदर कुमार शर्मा जी है योगाचार्य जो रामनामी उत्सव कमेटी के सेवादार भी है। वरिंदर जी, हर साल की तरह इस साल भी नौवीं बैठक का आयोजन किया गया, दसवीं 10 मीटिंगा का आयोजन किया जाता। अज की जी बैठक है ये श्री रामनवमी उत्सव कमेटी की, ये गीता भवन मंदिर आदर्श नगर च हो रही है। अगली मैटिंग जी हैगी है मीटिंग वो ऐतवार को श्री कृष्ण मुरारी मंदिर च होनी है, और अज की बैठक दे विच राजू एंड पार्टी पठानकोट तो सुंदर भजन करके इत्थे आनंद बन रहे हैं,
जड़े के पठानकोट तो आए ने। इस तो पहले हनुमान चालीसा होया, रेखा ढल जी ने भी भजन सुनाया और नाल ही नाल विचारां हो रही ने, बहुत सारे लक्की ड्रा कटे जा रहे हैं। सारे भगतों ने एक आवाज़ दे विच जकारे दे नाल ये ऐलान किया है कि 10 अप्रैल नूं जिहड़ी शोभा यात्रा श्री रामनौमी दी निकलनी है ये पहले नालों किते वधिया होएगी और 2 साल दे कोविड दे गैप तो बाद बहुत वड्डा उत्साह है लोगों दे विच। सो मैं जिन्हें सुनने वाले ने सारियां नूं बेनती करांगा कि सब जने 10 अप्रैल नूं मिल के हुमा के श्री रामनौमी की शोभा यात्रा च भाग लो। एक ऐसी गलबात की गई है वरिंदर कुमार शर्मा जी के हम तो राम भगतों के दर्शन कराने हैं कि मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग हॉल के तस्वीर देख रहे हो जो पठानकोट तो राजू एंड पार्टी जो पठानकोट तो प्रभु राम जी के भजन गा के संगतों को निहाल किया जा रहा है। देख रहे हो तस्वीर के शमा रोशन करके इसका जो मीटिंग का अगे आयोजन किया जाता है। पद्म श्री विजय कुमार चोपड़ा जी की अगुवाई हेठ के बैठक की जाती है। साढ़े नाम प्रिंस ग्रोवर जी है जो रामनामी उत्सव कमेटी के मैंबर भी है। आप गलबात करते हैं रामनामी उत्सव कमेटी हर साल की तुहाड़ी स्टेज के उत्ते ड्यूटी होंगी है, तो स्टेज सारी मैनेजमेंट करते हो तो इस बार बैठक भी 10 हो रही हैं तो प्रभात फेरियां भी 12 से 13 प्रभात फेरियां है तो 10 अप्रैल की शोभा यात्रा दैयारियां का। जय श्री राम। जिथे मैं सारे शहर के प्रभु राम भगतों का शहर की पूरे पंजाब जरा हम हुमा के पद्म श्री विजय चोपड़ा जी की अध्यक्षता में निकलने वाले श्री रामनवमी उत्सव कमेटी वालों सबन खुला सदा देना जी कि 10 अप्रैल में एतवार सारे शहर की परिक्रमा करके हिंसाचार ग्राउंड के समाप्त होगी। मीटिंगा का दौर चालू है और अज भी मीटिंग है, अगों भी मीटिंग हर वीरवार एतवार मीटिंग होने जा रही है। मैं सारे राम भगतों को सदा दिना कि 10 अप्रैल में अपने घर दीपमाला करके प्रभु राम जी का जन्मदिन बहुत श्रद्धा पूर्वक मनाया जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसी ऐसी गलबात की गई राम भगतों के नाल जो 10 अप्रैल में निकलन वाली शोभा यात्रा दी तैयारियां शुरू हो चुकी हुई हैं, जिसकी अज 9वीं बैठक दर्शन नगर गीता मंदिर के की गई है, अगली बैठक गौरी शंकर मंदिर गोपाल नगर के। कैमरामैन देवराज के नाल सोनू महाजन, पंजाब केसरी टीवी जलंधर।